मैंने यहाँ पे एक मैंगो लिया है, तो देखिए मैंने अच्छे से उसका पूरा पल्प निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंगो का मैंने ऐसे छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम मैंगो का ये पल्प डालेंगे और साथ में मैं 2 से 3 चम्मच शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो भी ऑलरेडी मेरा काफी मीठा है, बहुत ज्यादा शुगर नहीं डालेंगे, पर आइसक्रीम थोड़ी मीठी अच्छी लगती है, इसलिए देखिए मैंने 3 चम्मच इसमें शुगर डाल दिया है। और इसको अब हम मिक्सी में चला के इसका एक स्मूथ पल्प तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका एक स्मूथ पल्प तैयार कर लिया, हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिर्फ मैंगो है और 3 चम्मच जो शुगर हमने डाला है तो वही है। तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी साइड में कर दूंगी। एक मैंने दूसरा बर्तन लिया हुआ है, अब इसमें मैं 1 कटोरी व्हीप क्रीम लूंगी, ये एकदम चिल ठंडी व्हीप क्रीम है। व्हीप क्रीम से आइसक्रीम बनाएंगे ना तो एकदम मार्केट से भी अच्छी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। और 1/3 मैंने इसमें कंडेंस मिल्क लिया हुआ है, हमारी व्हीप क्रीम भी ऑलरेडी मीठी है क्योंकि इसमें शुगर एडेड है और कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, उसमें भी शुगर रहता है, इसलिए हम बिल्कुल भी इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको बीट कर दूंगी। क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से एकदम फ्लफी होने तक बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी क्रीम आधी अभी बीट हो गई है। स्पीड क्या करना है, पहले स्लो रखना है, बाद में उसे धीरे धीरे हम तेज करते जाएंगे। तो बस आधी बीट हो गई है, आधी हम इसे और बीट करेंगे, एकदम ये फ्लफी हो जाएगी तब तक हम इसे बीट करेंगे। फ्रेंड देखिए हमारी क्रीम एकदम अच्छे से बीट हो गई है, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये बीट हो गई है। देखिए मैं गंजी पलट रही हूँ तो भी देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंगो ऐड करेंगे, जो हमने मैंगो पल्प बनाया है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए पूरा मैंगो पल्प मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैं मैंगो पल्प को बचा के रख लूंगी। तो देखिए 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा मैंने इसमें बचा लिया है, इसको हम ऊपर से डालेंगे। अब वापस हम इसको थोड़ा सा बीट कर देंगे ताकि जो मैंगो है वो अच्छे से पूरी क्रीम में मिल जाए। फ्रेंड देखिए पूरी क्रीम हमारी अच्छे से फिट गई है और मैंगो भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, तो मैंने जो आइसक्रीम का ही डब्बा होता है ना मैंने वही लिया हुआ है। तो आपके पास यदि मैंगो एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और यदि आपको थोड़ा येलो कलर और चाहिए तो आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम अपने घर के लिए बना रहे हैं तो क्यों एडेड कलर यूज़ करना। तो हम इसको एकदम फुल हेल्दी बनाएंगे, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, सारा क्रीम को मैंने देखिए ये इस डब्बे में डाल लेते, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो हमने मैंगो पीसेस रखे हैं ना वो डाल देंगे। उसे क्या है कि जब हम खाएंगे तो आइसक्रीम तो मुंह में मैंगो के पीसेस आएंगे। तो देखिए ये मैं इसमें मैंगो के पीसेस जो हैं वो मिला देती हूँ, एक बार इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे तो जब हम आइसक्रीम खाएंगे ना तो ये पीसेस हमारे मुंह में आएंगे, तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको इस डब्बे में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने पूरी आइसक्रीम अच्छे से डब्बे में डाल दिया, इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि क्या है ये अच्छे से सेट हो जाए। अब थोड़ा सा जो मैंने ये पल्प बचाया हुआ था ना ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा फैला लेंगे। पूरी आइसक्रीम अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। अब मैं इसको फ्रीजर में ले जाके 4 से 5 घंटे के लिए रख देती हूँ। वैसे तो ये 2 से 3 घंटे में ही जम जाएगा, लेकिन 4-5 घंटे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यदि 2-3 घंटा बोलूंगी ना तो बच्चे हर 2 घंटे में फ्रीजर खोलते रहेंगे। तो अब मैं इसको ले जाके फ्रीजर में रख देती हूँ सेट होने के लिए। ये नॉर्मल आइसक्रीम से पहले बनकर रेडी हो जाता है, तो बस इसका अब ढक्कन लगाऊंगी और इसको ले जाके हम फ्रीजर में रख देंगे। अब 4 से 5 घंटे बाद आप इसको जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब आप इसको निकाल के देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए 5-6 घंटे हो गए हैं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही छोड़ दिया था, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी मैंगो आइसक्रीम जम गई है। ये देखिए फ्रेंड एकदम यम्मी दिख रही है और देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है, आप बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ा है। देखिए एयर टाइट डब्बा आप यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं पड़ेगा। मैं नॉर्मल स्पून से निकाल के दिखाती हूँ, मेरे पास तो वो आइसक्रीम वाला स्पून नहीं है। देखिए कितना अच्छा आइसक्रीम निकल रहा है, ये देखिए जो हमने ऊपर से मैंगो डाला था उसके कारण देखिए ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। और देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। तो
एक कटोरी मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम लूंगी। तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने व्हिप क्रीम ले लिया है। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, तो इसमें हम पहले व्हिप क्रीम डाल देंगे। साथ ही मैं इसी कटोरी के मेजरमेंट से इसमें 1/3 कटोरी में डालूंगी कंडेंस मिल्क। हम इसमें शुगर का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी व्हिप क्रीम, कंडेंस मिल्क सब कुछ मीठा होता है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी शुगर का यूज नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। इससे क्या है, हम क्योंकि वनीला स्किन बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। तो मैं 4 से 5 ड्रॉप में इसमें वनीला एसेंस की डाल देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि अच्छे से एकदम फ्लफी ना हो जाए। पहले स्पीड कम रखेंगे और बाद में धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे। फ्रेंड देखिए, हमारी क्रीम कितने अच्छे से बीट हो गई है। देखिए, मैं आपको ऐसे बाउल पलट के दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टूटी फूटी ऐड करेंगे, क्योंकि हम वनीला टूटी फूटी बना रहे हैं। यदि आपको नॉर्मल वनीला बनाना है तो आप इसे ऐसे ही एयरटाइट डब्बे में डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे टूटी फूटी लिया हुआ है, देखिए इसे पपीता कैंडी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। पर हम थोड़ा सा बस, अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और फ्रीजर में ले जाके 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बस जब हम इसे निकालेंगे तो आप देखिएगा, है ना एकदम मजेदार और टेस्टी। तो आप एक बार जरूर बनाइएगा। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट ली है। ये जो पूरा इतना बड़ा ब्रिक होता है ना, ये 100 ग्राम का होता है। इसमें से थोड़ा सा मैं काट के निकाल देती हूँ। तो देखिए, ये 75 ग्राम के करीब होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ एक कटोरी ली है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट ही है, क्योंकि मैंने इसे को बाहर ही रखा था। तो देखिए, अब मैं इसमें क्या करूंगी, गरम दूध डालूंगी। तो मैंने इसमें, देखिए ये एकदम गरम दूध है, इससे क्या है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच हम इसमें गरम दूध ऐड करेंगे। यदि आप गरम दूध नहीं डालेंगे तो क्या करिए, दूध डालिए, इसके बाद इसको डबल बॉयलर से रख दीजिए, तो ये पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। ये आप माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसको डाल सकते हैं। तो अब जब तक ये पिघल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रीम तैयार करते हैं। इसको अच्छे से हम पूरा ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा पिघल गया है। अच्छे से ये पूरा पिघल जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसको क्रीम में ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा इसको मिक्स कर देती हूँ, इसके बाद हम क्रीम रेडी करेंगे। ये देखिए, अभी अच्छे से ये पिघल गया है, और ये अब जब तक ठंडा होगा तब तक हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। चलिए, तो क्रीम बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम लिया। ये हमें एकदम ठंडा व्हिप क्रीम लेना है। तो एक कटोरी मैं इसमें व्हिप क्रीम लूंगी। ये देखिए, एक कटोरी मैंने इसमें व्हिप क्रीम डाल दिया, और इसी कटोरी से 1/3 कटोरी में इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। शुगर हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि क्रीम भी हमारी मीठी है और कंडेंस मिल्क भी मीठा है, चॉकलेट भी मीठी है। तो देखिए, मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से सब निकाल लेना है, और अब हम इसको बीट कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस भी डाल दूंगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें 3 से 4 बूंदे चॉकलेट एसेंस की डाल देती हूँ। इसे इसमें ना टेस्ट भी आ जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, बस इसको अच्छे से बीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लो में बीट करेंगे, बाद में हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। हो गई, आप देख रहे होंगे। देखिए, ये मैं पलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट जब पूरी तरह ठंडी हो जाएगी ना, तभी डालना है, क्योंकि यदि गर्म में हम डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें से आधी, बस 1 चम्मच बचा के बाकी की चॉकलेट मैं इसी में डाल दूंगी। 1 चम्मच जो बचाएंगे ना, उसको हम ऊपर से आइसक्रीम में डालेंगे। तो देखिए, ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। Thank you.
देखिए आपके चॉकलेट आइसक्रीम का जो बेस है ना वो बन के रेडी है। अब मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूंगी। यदि आपके पास चॉको चिप्स है तो आप वो डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो वो ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें चॉकलेट डाला हुआ है। मेरे पास थोड़े से चॉको चिप्स है तो मैं इसमें थोड़ा सा चॉको चिप्स डाल देती हूँ। उसे क्या है, खाते समय जब मुंह में आता है ना क्रंची क्रंची तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें चॉको चिप्स डाल देती हूँ और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। देखिए कितनी, एक कटोरी क्रीम से देखिए कितनी सारी आपकी आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है ये, तो अब मैं सारा क्रीम इसमें डाल दूंगी। अच्छे से देखिए कितने अच्छे से हमारी क्रीम बीट हुई है। जितने अच्छे से क्रीम बीट होगी ना उतने अच्छे से आइसक्रीम जमेगी। तो पूरा अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से पूरी क्रीम हमको इस कंटेनर में डाल देनी है। इसे दबा दबा के कर देंगे तो क्या है कि गैप में अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये जो चॉकलेट मैंने बचा के रखा था ना चॉकलेट सॉस, उसको हम क्या करेंगे ऊपर से इसमें डाल देंगे। तो उससे क्या एक डिजाइन भी हो जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा वो जब हम देखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे चला देती हूँ ताकि एक वेव जैसा इसमें सेट हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऊपर से खाते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन अब उतना झंझट कौन करेगा। तो देखिए हमने ऐसे ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर देंगे ताकि अच्छे से जो एयर होगा वो भी निकल जाएगा और क्रीम जो है वो भी आइसक्रीम अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी। तो बस अब मैं इसको ले जाके फ्रीजर में रख देती हूँ। हमको 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख देना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो आप देखिएगा सुबह कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। और एयर टाइट कंटेनर है इसलिए बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसे ले जाके फ्रीजर में रख देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं मैं इसको रख देती हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी आइसक्रीम जन के तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम दिख रही है। मैं आपको इसको स्पून से निकालती हूँ। देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं पड़े हैं और कितने अच्छे से ये निकल रही है। ये देखिए है ना एकदम मजेदार और टेस्टी। तो इस गर्मी आप एक बार चॉकलेट आइसक्रीम जरूर बनाइएगा और देखिएगा ये कितनी अच्छी और टेस्टी है। ये मार्केट से भी बढ़िया और टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ती है, ना कोई केमिकल का या किसी सीएमसी जीएमसी पाउडर का हमने यूज किया है और बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो आप इसे जरूर एक बार बनाइएगा। फ्रेंड केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हिप क्रीम। ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए, फ्रिज से निकाली हुई तुरंत होनी चाहिए। मुझे जब आइसक्रीम बनाना रहता है ना तो मैं क्या करती हूँ फ्रीजर से निकाल के रात को ही इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में रखने से ये क्या है तो मेल्ट हो जाती है। तो हमें वैसी मेल्ट वाली एकदम और ठंडी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये मैंने लिया है पिस्ता का एसेंस, इसे क्या है पिस्ता का ना फ्लेवर आता है। 1 चम्मच मैंने दूध लिया है, दूध भी एकदम ठंडा होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर लिया है क्योंकि हम केसर पिस्ता बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी एक चुटकी इसमें थोड़े से थ्रेड केसर के डाल दूंगी ताकि इसका कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें थ्रेड डाल दिया है और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से पिस्ते। तो थोड़ा पिस्ता हम क्या करेंगे पीसेंगे और थोड़े से को खड़ा ही डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको ना पीस लेते हैं। पीसने से क्या है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब ये क्रीम में मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने ये छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे ना, इसलिए हमें छोटे ही जार की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा रहता है तो बड़े में भी पीस जाता, पर थोड़ा सा ही है क्वांटिटी तो इसलिए हमने छोटा जार यहाँ पे लिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यही दूध और केसर ना मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा दूध का यूज़ भी नहीं करना है क्योंकि हम क्रीम में बनाएंगे ये। तो देखिए यही मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको मैं मिक्सी में चला देती हूँ और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड देखिए ये हमारा जो पिस्ता है ना ये देखिए पीस गया है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना तो अच्छे से ज़्यादा उतना चिकना नहीं होता है। तो हमें थोड़ा ऐसे ही चलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे एक कटोरी व्हिप क्रीम लेंगे। तो देखिए मैं इसमें एक कटोरी व्हिप क्रीम डाल रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी व्हिप क्रीम ले ली है। अब इसी कटोरी में मैं ना 1/4 कटोरी ये कंडेंस मिल्क डालूंगी। इसका मेजरमेंट सही रहेगा, यदि आप कटोरी से यूज़ करें कोई भी तो एकदम सही मेजरमेंट रहेगा। जिस कटोरी से आप क्रीम डालें उसी कटोरी से आप व्हिप क्रीम डाल दीजिए। देखिए मैंने 1/4 कटोरी व्हिप क्रीम ले लिया है।
अच्छे से पूरा निकाल लेंगे ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। पूरा मैंने अच्छे से निकाल दिया। अब मैं इसमें पिस्ता का एसेंस डालूंगी, इसे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो 5-6 बूंदे हम इसमें एसेंस डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें ना फूड कलर डालूंगी, तो ग्रीन कलर का मैंने फूड कलर लिया क्योंकि पिस्ता की आइसक्रीम ग्रीन होती है, तो ये केक वाला जेल कलर है, हेल्दी है बिल्कुल, और ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसमें 3 ड्रॉप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ग्रीन कलर। अब हम क्या करेंगे, इसको बीट करेंगे। सबसे पहले हम स्लो में बीट करेंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाते जाएंगे। फ्रेंड देखिए अभी हमारी क्रीम इतनी बीट हुई है, ये देखिए। अब इसे 2-3 मिनट हम और बीट करेंगे। अभी ये हिल रही है ना, आप देख रहे हैं, जब ये अच्छे से बीट हो जाएगी ना, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो अभी मैं इसे 2-3 मिनट और बीट करूंगी। इसके बाद जो हमने पिस्ता का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड हमने इसमें बिल्कुल भी शुगर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो क्रीम है और कंडेंस मिल्क दोनों में ही शुगर होता है, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल भी शुगर का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं इसे 2-3 मिनट और फेटूंगी ताकि ये एकदम फ्लफी हो जाएगा। जब इतना फ्लफी हो जाएगा ना, जब हम गंजी को ऐसे उल्टा करेंगे ना बर्तन को, तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, तब तक हमें इसे फेटना है। फ्रेंड देखिए हमारी क्रीम कितने अच्छे से फिट गई है, देखिए मैं आपको ऐसे उल्टा करके बर्तन दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो हमें इतना ही फेटना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पिस्ता वाला जो हमने पेस्ट बनाया है ना, इसको इसमें डाल देंगे, और इसको डालने के बाद ना थोड़ा सा हम और चला देंगे ताकि जो पिस्ता है ना वो पूरा क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो ऐसे चम्मच से भी फेट सकते हैं, पर इसको बीट करने से ना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी और क्रीम थोड़ा और अच्छे से बीट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरा निकाल लिया है। यदि आपका पिस्ता पीसते समय नहीं पीसे ना, तो पहले आप उसको सूखा चला के पाउडर कर लीजिए, फिर आप उसमें 1 चम्मच दूध डालिए, और नहीं तो थोड़ा सा आप ये व्हीप क्रीम ही या कंडेंस मिल्क दोनों में से कुछ डाल के उसको और स्मूथ करना चाहें तो और स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सब निकाल लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको और बीट कर दूंगी ताकि जितना भी ये पिस्ता है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे ना एक एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है, एयर टाइट ही लेना है, नहीं तो ना उसमें आइस जम जाएगी। और सारे क्रीम को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना फ्लफी है, एकदम आराम से ये देखिए निकल रहा है, एकदम ही फ्लफी सॉफ्ट है। जितना फ्लफी बनेगा ना उतनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो मैं इस पूरी क्रीम को अच्छे से इसमें डाल देती हूँ, और फिर जो थोड़ा सा पिस्ता हमने कटा हुआ बचाया था ना वो हम ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप बनाएंगे ना, कोई भी आइसक्रीम मैंने अभी तक जितनी बताई हुई है वो सभी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और घर की बनाई हुई है। तो आप जितनी मर्जी चाहे उतना बना सकते हैं, और मार्केट से बहुत सस्ती भी पड़ती है, और जो मार्केट की आइसक्रीम है ना उससे तो बहुत ही बेटर टेस्ट रहता है जो हमारी घर की आइसक्रीम बनी हुई होती है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसमें पूरा डाल दिया है, थोड़ा सा इसको हम ना ऐसे ऐसे टैप कर देंगे ताकि जो इसमें एयर से वो निकल जाए। अब मैं क्या करूंगी, जो थोड़ा सा देखिए हमने पिस्ता रखा हुआ है इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये मैंने जो पिस्ता बचाया था थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो जब खाएंगे ना मुंह में बाइट आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपके बच्चों को ऐसे ऊपर से खाना पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, आपने पीस के डाला ही है उसी से इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो बस अब मैं इसको फ्रिज में जमने के लिए रख देती हूँ। यदि आप शाम को बनाइए तो ओवरनाइट रख दीजिए, और सुबह बना रहे हैं तो रात तक ये अच्छे से जम जाएगी। या 6-7 घंटे तो लगते ही हैं, तब मैं इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए हमने ओवरनाइट आइसक्रीम को फ्रीजर में रखा था, अब ये जम गई है। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी दिख रही है, मार्केट से भी ये बढ़िया आइसक्रीम है, और मार्केट की आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम है, और इतनी सस्ती कि आप रोज भी बना के अपने बच्चे को खिला सकते हो। तो चलिए मैं आपको ना इसको निकाल के बताती हूँ। फ्रेंड यदि आपके बच्चे ऐसे ऊपर से ड्राई फ्रूट से पिस्ता नहीं खाना चाहे ना, तो आप ऊपर से मत डालिए, हमने तो वैसे भी इसके अंदर डाली हुई है। तो ये देखिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड एक बार आप ये आइसक्रीम बनाएंगे ना तो आप मार्केट की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, और बच्चे आपके रोज यही आइसक्रीम कहेंगे कि घर पे बनाओ, ये इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी है, उतनी अच्छी दिख रही है और उतनी ही टेस्टी भी है ये। ये देखिए फ्रेंड आपकी केसर पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार है। पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हीप क्रीम, ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए।
तो फ्रीजर की नहीं होनी चाहिए, फ्रिज की होनी चाहिए। तो मेरे को क्या आइसक्रीम बनाना रहता है ना, तो मैं क्या करती हूँ रात को ही फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्या होती है, ये मेल्ट हो जाती है, एकदम मेल्टेड कंडीशन में ही होनी चाहिए, बर्फ जैसी नहीं जमी होनी चाहिए। और साथ में मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, थोड़ी ये देखिए ये है पाइनएप्पल एसेंस, ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है पाइनएप्पल क्रश, आप फ्रेश पाइनएप्पल का भी यूज कर सकते हैं, पर क्या वो थोड़ा खट्टा होता है और इसमें ऑलरेडी शुगर रहता है तो ये मीठा रहता है। हमने यहाँ पे शुगर नहीं लिया है क्योंकि हमारा कंडेंस मिल्क भी स्वीट होता है और जो ये व्हिप क्रीम है ना ये भी मीठी होती है, इसमें भी ऑलरेडी शुगर होता है, इसलिए हमने शुगर का यूज यहाँ पे नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एक बर्तन ले लेती हूँ मिक्सिंग करने के लिए, जिसमें हमें मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, तो मैंने इसी कटोरी के मेजरमेंट से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी व्हिप क्रीम ले रही हूँ। ये देखिए एकदम ये मेल्ट है, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, लेकिन एकदम चिल्ड है क्योंकि ये फ्रिज से अभी निकाली हुई है, जस्ट हमने अभी फ्रिज से इसे निकाला है। तो देखिए एक कटोरी मैंने यहाँ पे ले लिया है व्हिप क्रीम, और इसी कटोरी से 1/4 कटोरी मैं यहाँ पे लूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जरूर डालिए क्योंकि इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी आइसक्रीम का, एकदम मार्केट से भी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, अच्छे से पूरा निकाल लेंगे क्योंकि कटोरी में जितना लगा वो सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसे अच्छे से पूरा निकाल लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा 5-6 बूंदे पाइनएप्पल एसेंस की डालूंगी, ये ऑप्शनल है, यदि है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्रश है पाइनएप्पल का, तो मैं इसको भी फ्लेवर के लिए ही डाल रही हूँ। ये देखिए हमने डाल दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे बीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बीटर ले लिया है, अब हम इसे एकदम फ्लफी होने तक बीट करेंगे। पहले हम इसको स्लो में बीट करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे स्पीड बढ़ा देंगे। तो अभी मैं स्लो में ही इसको बीट करती हूँ। फ्रेंड ये देखिए अभी कितना फ्लफी हो गया है, अभी हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट और बीट करेंगे तो ये एकदम ही फ्लफी हो जाएगा। जितना अच्छा हम बीट करेंगे ना उतनी अच्छी और एकदम सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो मैं इसे अभी 2-3 मिनट और बीट करती हूँ। फ्रेंड देखिए हमारा क्रीम अच्छे से देखिए एकदम फिट गया है। अब मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा सा ना येलो फूड कलर डाल देती हूँ, जो केक कलर होते हैं ना मैं वही यूज करती हूँ। ये जेल वाला है, ये भी ऑप्शनल है, यदि आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। देखिए एकदम थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें ना पाइनएप्पल क्रश भी डाल दूंगी। क्या है कि एक बार और हम इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये क्रश भी जो है उसमें अच्छे से मिल जाएगा। तो 2-3 चम्मच मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश का डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा हम बाद में और डालेंगे क्रश को। ये जो क्रश है ना ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप में इजीली मिल जाता है, केक शॉप में तो और इजी मिल जाता है। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब मैं इसको एक बार फिर अच्छे से बीट कर दूंगी। फ्रेंड ये देखिए हमारे आइसक्रीम का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया एकदम। अब हम इसको क्या करेंगे एक डब्बे में डाल देंगे। तो आपको एयर टाइट डब्बा लेना है, देखिए मैंने ये ऐसे प्लास्टिक का एक लिया है कंटेनर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें पूरी क्रीम को डाल देंगे। ये देखिए कितनी फ्लफी हो गई है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम इजिली देखिए निकल के आ जा रही है। तो मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड गर्मियों में तो छुट्टियां रहती हैं और गर्मियों में बच्चों को रोज कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, रोज फरमाइश होती है बाहर से आइसक्रीम लाओ। अब रोज तो हम बाहर की आइसक्रीम ला के नहीं खिला सकते, तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है और आपके बजट में भी आएगी और हेल्दी भी है क्योंकि घर का बना हुआ है। तो ये जो आइसक्रीम है ना, मैं इसके पहले भी 2-3 आइसक्रीम बता चुकी हूँ, सभी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती हैं और जितनी मर्जी बच्चे खा सकते हैं और बहुत ही कम बजट में ये बन के इतनी सारी आइसक्रीम बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे से टैप कर देती हूँ, बाकी भी मैं अच्छे से सब निकाल लूंगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगी थोड़ा सा इसमें ना पाइनएप्पल क्रश और डालूंगी, तो थोड़ा
थोड़ा सा देखिए मेरे पास क्रश और है, तो मैं इसको इसमें ऐसे डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसको हल्के से मिक्स कर दूंगी। तो ये सलाई से मैं इसको ऐसे पूरा ऐसे मिक्स कर देती हूँ, ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ऊपर से दिखेगा ना तो ये अच्छा लगता है और मुंह में इसके बाइट आते हैं ना खाने में पाइनएप्पल के, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मैंने बस इसे ऐसे घुमा दिया, अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। इसे हमें डीप फ्रीजर में रखना है और अभी मैं शाम के समय इसको बना रही हूँ तो ओवरनाइट पूरा मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। अब मैं इसको कल ही निकालूंगी तब ये अच्छे से पूरा एकदम जम के सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रेंड देखिए हमारी आइसक्रीम जम गई है तो मैं इसको फ्रीजर से ना निकाल के ले आई हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम दिख रही है, जितनी अच्छी दिख रही है ना उतनी ही टेस्टी ये बनी भी होगी क्योंकि मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको ना इसको दिखाती हूँ निकाल करके। तो आइसक्रीम को ना फ्रीजर से निकालने के बाद ना एक दो मिनट आप इसे ऐसे नॉर्मल थोड़ा छोड़ दीजिए, क्या है तब वो इजिली निकल के आएगी। तो देखिए मैं ना आइसक्रीम के लिए स्कूप लेके आई हूँ, लास्ट ईयर मैंने बहुत आइसक्रीम बनाई थी पर स्कूप के बिना कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो आज मैं फर्स्ट टाइम ये स्कूप को यूज करूंगी। तो देखिए आपको क्या करना है, बस स्कूप से निकालना है ऐसे, पूरी एकदम मार्केट वाली फीलिंग आएगी देखिए, वैसे ही टेस्ट और उससे भी बढ़िया आइसक्रीम ये देखिए। तो फ्रेंड देखिए एक स्कूप में ना मजा नहीं आने वाला है बच्चों को, तो मैं एक स्कूप और भर के निकाल रही हूँ ये देखिए। वाव जितनी टेस्टी दिख रही है उतनी टेस्टी ये बनी भी है, आप इसे एक बार जरूर बनाइए। वाव देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है ना, तो पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाइए और उसे खाइए और खाने के बाद बताइए कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी और है ना एकदम इजी रेसिपी।